यवतमाल जिले के दीघरा शहर के कर्मा देवी मंदिर प्रांगण में हाल ही में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया। 8 अक्टूबर से जारी भागवत कथा सप्ताह में शामिल होकर बड़ी संख्या में भाविकों ने इसका लाभ उठाया। पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर लाचूरे परिवार की ओर से आयोजित इस भागवत कथा सप्ताह का शनिवार को समापन होने जा रहा है। पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर दिग्रह शहर के कर्मा देवी संस्थान में लाचूरे परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज से दिग्रस नगरी में आए पंडित निर्मल कुमार शुक्ल ने भागवत कथा का पठन किया। बीते 8 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसका समापन 14 अक्टूबर यानी आज के दिन होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के इस भव्य आयोजन के मद्देनजर 8 अक्टूबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के महान तपस्वी श्री घंटी बाबा मंदिर से निकली इस शोभा यात्रा का समापन कर्मा देवी मंदिर पहुंचकर हुआ। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में परदेशी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया था। एक तरह से इस शोभा यात्रा में समाज बंधुओं ने अपने परिवार के साथ शिरकत की थी। मालूम हो कि 8 अक्टूबर से यहां प्रतिदिन विभिन्न चरणों में पंडित निर्मल कुमार शुक्ल की सुमधुर वाणी में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न पाठों का पठन किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के पहले दिन से लेकर समापन दिवस तक श्रोताओं की भारी भीड़ बनी रही। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा सप्ताह के दौरान इस पर्व पर झांकियां भी पेश की गई। इन झांकियों में लाचूरे परिवार के सदस्यों ने सक्रियता से सहभाग लिया। आकर्षक झांकियों में बाके बिहारी, मटकी फोड़ कृष्णा, वामन और राजा बलि, रुक्मणी स्वयंवर, श्रीकृष्ण जन्म महोत्सव, सुदामा इत्यादि झांकियां प्रस्तुत की गई। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के पहले दिन से लेकर समापन दिवस तक श्रोताओं की भारी भीड़ बनी रही। इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शनिवार को महाप्रसाद भंडारा के साथ समापन होने जा रहा है। शहर के कर्मा देवी मंदिर में यानी आज 14 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 1 से 4 बजे तक महाप्रसाद भंडारा जारी रहेगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए लाचूरे परिवार के शैलेश लाचूरे, परेश लाचूरे, नरेश लाचूरे, जितेश लाचूरे, सौरव लाचूरे, संजय लाचूरे आदि सहित समस्त लाचूरे परिवार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।